हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग करो सबको। गुड मॉर्निंग इधर देख, सामने को गुड मॉर्निंग। हाँ, पर गुड मॉर्निंग करो सबको, पर सब गुड मॉर्निंग इधर सामने सामने गुड मॉर्निंग करो। कहो नमस्ते। कहो मैं सो के उठ गया हूँ, अब मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। पापा मेरे लिए अंडा बना रहे हैं और अपने लिए चाय ब्रेड। खाएगा ना बाबू? बाबू अंडा खाएगा? हाँ, अभी अंडा बनाए बाबू और पापा के लिए चाय। हाँ हाँ ठीक है, आप ये देखो तब तक पापा नाश्ता बना के आपको देते हैं। तो गन्नू का ध्यान भटकाने के लिए हमने उनको मोबाइल में गाना लगा के दे दिया ताकि ज़्यादा वो इधर उधर परेशान ना हो, क्योंकि घर पे अभी अकेला है। नहीं बेटा, एक मिनट शांत रहना। तो आप लोगों को लग रहा होगा आज गन्नू बहुत मोबाइल यूज कर रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते, अकेले है तो बच्चे को जब काम करते वक्त तो उसको कुछ ना कुछ उसका ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा। वैसे हम उसको पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जिस समय मुझे कुछ करना है उस समय उसको तो कुछ ऐसा दे ताकि जिसमें उसका ध्यान लगा रहे और वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो हमने नाश्ता बनाते हुए इसलिए उसको वहाँ बैठाया और उसको फ़ोन में उसके ये राइम्स वगैरह लगा दिए ताकि
कन्नू इतना ज़्यादा परेशान कर लिए कि मैं भाई जोर नहीं कर पाया, इसलिए म्यूजिक डाल दिया बीच में, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और मेरा यहाँ पे अब अंडा ब्रेड लगभग तैयार है। और देखो गन, इस लड़के को जो पापा करेंगे वो खुद करना है। देखो लगा पड़ा है, मैं ब्रेड लगाऊंगा, मैं खुद करूंगा, उसमें लगा पड़ा मैं ब्रेड डालूंगा। वो मतलब उसको खुद, उसकी बस चले तो कहे पापा आप बैठो, मैं आपको नाश्ता बना के देता हूँ, या जो काम करना हो किसका मम्मी का पापा का, वो खुद मैं करके देता हूँ। ये फीलिंग थोड़ी सी अलग है, पहली बार हम लोग घर पे अकेले हैं, और ऐसे जहाँ पे भी हैं रुचि नहीं है, गन्नू की मम्मा नहीं है बस। लेकिन हम लोग ज़्यादा जता नहीं सकते ना उसको कि हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, तुमको याद कर रहे हैं, नहीं तो वो जहाँ है परेशान होगी। तो इसलिए मैं, हम लोग चाहते हैं कि वो जहाँ गई है उस चीज़ को इंजॉय करे अच्छे से, ताकि उसके माइंड को रिलैक्स मिले, क्योंकि इधर कुछ सालों से बिल्कुल उसको टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए, नहीं मिला टाइम खुद के लिए। इन सब चीज़ों में घर बच्चे काम हर चीज़ में मायका ससुराल, इतना ज़्यादा उसका हैट्रिक हो गया था कि हम, वो खुशी खुशी, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वो खुशी खुशी गई है, खुशी खुशी नहीं गई है, इस बार हमने ज़बरदस्ती उसको भेजा है, उसका मन कर रहा था ऐसा कुछ करने का, हमने कहा ठीक है तुम जाओ, थोड़ा सा एक ब्रेक की ज़रूरत है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा शांत हो, काम तो देखो वहाँ भी वो करेगी लेकिन बट ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों से उसको दो चार दिन का थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। इसलिए हमने कहा इस बार तुम थोड़ा अकेले जाओ, थोड़ा दिमाग थोड़ा शांत होगा चीज़ों के माहौल में, क्योंकि वही ना 5-6 सालों से इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, घर हर चीज़ वो करना अपने हिसाब से, और मायके का लखीमपुर का भी आप लोग सब जानते हैं कि वहाँ का भी सब चीज़ खुद इन्हें देखना पड़ता है, हम लोग मिलकर देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ इन्हीं के ऊपर ही रहती हैं चीज़ों को, मम्मी का ख्याल है, तबीयत है, पापा है, भाई है, तो और हमारी तरफ का भी, और यहाँ घर का भी, गन्नू का भी, तबीयत का, हर चीज़ का इतना सब कुछ लगा रहता है कि वो एक तरह से वो परेशान हो गई थी, मतलब बिल्कुल उसके दिमाग को शांति नहीं मिल रही थी। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा एक तुम्हें दिमाग को थोड़ा सा शांति मिलेगी, वहाँ तुम ज़्यादा काम पे ध्यान मत देना, तुम अपना माइंड को रिलैक्स करो, जो अपने आप को इंजॉय करो, व्यस्त करो, दो चार दिन थोड़ा सा बिल्कुल शांति रिलैक्स मूड में रहो, बिल्कुल ना कहते एक छुट्टी वैकेंड, 6 साल बाद मैंने उसको छुट्टी दी है, ये समझ लो एक तरीके से कि 6 साल बाद मैंने उसको अकेले छुट्टी पे भेजा है, अभी वो वीकेंड पे गई है। आई होप जब लौट के आएगी बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ज़्यादा एनर्जी के साथ, ताकि ज़्यादा अच्छे से ब्लॉगिंग कर सके, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा हैट्रिक हो गई थी। बेटा 1-2 अभी पढ़ा रहे हैं आपको, हाँ 1-1-1 अभी पढ़ा रहे हैं, एक मिनट बात कर ले पापा। तो इसलिए मुझे भी फील होने लगा था कि नहीं एक थोड़ा सा ब्रेक उसको ज़रूरत है इन सब चीज़ों से। बेटा 1 अभी पढ़ रहे हैं, 2 मिनट रुक जा बेटा, इतना ज़्यादा पीछे परेशान हो गया। पहले जब तक इसको 1 से 10 पढ़ा नहीं दिए, मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दिया, मैंने पढ़ाया, फिर वो शांत हो गया। इसका कहना था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे एक बार पढ़ा दो 1 से 10 तक, मैं पढ़ा के देखो, पढ़ा दिया तो शांत हो गया, अब चुपचाप बैठा है। और यह मेरा नाश्ता तैयार है, और ये मैं गन्नू के लिए ब्रेड गर्म कर रहा हूँ। तो इतने में रेशमी भी आ गई थी काम करने के लिए, तो फिर उससे मैंने पूछा तुम भी खाओगी, तो उसके लिए भी एक अंडा ब्रेड बनाया है, और चाय भी उसके लिए बनाई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ खा रहे हो हमारे घर पर कोई है तो वो काम कर रहा है तो काम कर रहा है, हमारे यहाँ ये है कि नियम है हमारे, कोई भी हो, कोई भी खाने वाली हो, काम कर हाउस हेल्पर हो या जो और भी कोई भी हो, अगर नाश्ते के टाइम पे आया है तो हम लोग जो नाश्ता कर रहे हैं उसको भी करेंगे, तुम भी पहले बैठ के नाश्ता कर लो, खाने के टाइम पे है वो अगर तो फिर जो हम खाना खा रहे हैं तुम भी खाना खा लो, ये नहीं कि तुम काम करने हो अपना काम करो और जाओ, खाने के टाइम में हो आई हो तो खाना खाओ, नाश्ते के टाइम में हो तो नाश्ता करो, वो नहीं है कि थोड़ा सा अच्छा ही लगता, मतलब एक वो रहता है कि कोई यहाँ पे मालिक नौकर और काम ना करने काम करने वाला ऐसा कुछ नहीं होता, जो सदस्य हमारे घर में काम करता है वो अपने घर की तरह काम करता है। तो बस वही मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट ही किया था तो वो आ गई थी, तो फिर मैंने उसका कहा बगल मेरे मोहल्ले में दुकान है तो ब्रेड ला दो बेटा, वो ब्रेड लेके आई, ब्रेड कुछ कम थी, तो फिर मैंने कहा तब तक तुम भी नाश्ता कर लो, और नाश्ता हमारा अब तैयार है जैसा कि आप देख रहे हैं, अंडा ब्रेड हमारा, गन्नू की चाय ब्रेड, और अंडा बॉयल होके रखा है ठंडा होने के लिए, तब तक ये ब्रेड खाएंगे, फिर मैं अंडा इनको छान छील के खिलाऊंगा, और ये इनके अंडे तैयार हो गए, ये अंडे चाय ब्रेड खाएंगे, इसके बाद अपना अंडा खाएंगे। तो बस ऐसे ही आज का दिन चल रहा है, अभी सुबह चल रही है, अभी हम लोग नाश्ता करने के बाद फिर गीजर ऑन किया था, नहाने धोने जाएंगे और नहा धो के आएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे, तब तक आप लोग ब्लॉग का आनंद लीजिए। हाँ देख लीजिए क्या बनाएंगे अपने हिसाब से।
लौकी रख, ठीक है। तो एक काम करिए, बैंगन की कलौंजी बना दीजिए और थोड़ी सी दाल, बिल्कुल थोड़ी सी। गन्नू की पढ़ाई टाइम है और गन्नू पढ़ाई कर रहे हैं अभी नाश्ता करने के बाद। क्या भैया ये पढ़ाई करेंगे दिन में 4 या 6 बार, कम से कम इसमें इनका 4 से 6 घंटा निकलेगा, क्योंकि एक बार पढ़ाई करने पड़ते 1 घंटा कम से कम। अब ये इसमें पढ़ेंगे, फिर सारे बुक लेके पढ़ेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर मस्ती करेंगे पापा के साथ, खेली खेली करेंगे। है भैया गन्नू की पढ़ाई के बाद अब कलरिंग टाइम। ये देखो ये भी कलर कर दिया गन्नू में। गन्नू क्या कलर कर रहे हो बेटा? ये तो हो गया, अभी टाइगर कर रहे हो, जल्दी करो। टाइगर है, टाइगर जल्दी करो, टाइगर हाँ पूरा करो, टाइगर हैंड पेंडिंग। हाँ हाँ वो भी दीदी भी कर रही है। हाँ हाँ वो भी करेगी। तुम टाइगर अपना पूरा कंप्लीट करो। हाँ करो जल्दी करो, फिर नहाई करे ना भैया। ये गाड़ी गर्म हो गया, बाजार जाना तो कल ले आना मोम वाली। ठीक है, ये वाल पूरे ड्रेस में गन्नू पोत लेती। ठीक है जल्दी करिए बेटा, नहाने चले ना, गीजर गर्म हो गया, गीजर में पानी गर्म हो गया, सॉरी। हाँ जल्दी फिनिश करिए। हाँ हाँ पानी गर्म हो गया, जल्दी करिए। मेरा गन्नू हो रहा है। पापा पुलाव जल्दी से, 1 2 कहाँ है, शुरू करो वहाँ से। ये आपके यहाँ से ना, यहाँ शुरू करो। हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओ घूम गया। हाँ सीधा करो, सीधा करो। 13 कहाँ है, चढ़े जा रहे हो पापा के ऊपर तुम। 13 14 15 हाँ उधर सीरीज, वेरी गुड। 16 उधर, अरे सामने तो आओ। चलो 16 17 18 कहाँ है, 18 18 17 के बाद 18 ना। हाँ उस पर रखो, 18 पे रखो, 18 पे, 18 पे सीधा करो इसको ऐसे। हाँ 17 के बाद 18 18 के बाद 17 हाँ 17 18 रुक नहीं रही है। 19 20 कहाँ है, हाँ 21 22 23 24 20 एक ज़्यादा बढ़ा दिए ना, 24 कहाँ है, एक एक करके। ये 24 है ना, 25 26 27 28 जल्दी 28 पिलाओ, 27 हो गया, 28 28 आगे बढ़ाइए, 28 अरे गुस्से जा रहे हो, सीधे बैठो भाई मुंडी उठा के। हाँ देखो 27 28 अब 29 13 31 मंथ पूरा हो गया। यस मंथ कितने दिन के होते हैं, डेज के। हाँ 31 हाँ 31 चलो मंडे ट्यू हाँ मंडे ट्यूजडे मंडे ट्यूजडे खिसक नहीं फंस रहा है ऐसे, यहाँ पकड़ोगे तो नहीं फंस गया, यहाँ पकड़ो। वेडनेसडे यहाँ इधर से पकड़ो, इधर से हाँ ऐसे ऐसे। थर्सडे फ्राइडे हाँ आपने वेडनेसडे नहीं पढ़ा, अच्छा ठीक है। वेडनेसडे थर्सडे क्या आपको खिसकाना है, अच्छा हाँ ये लो ये लो।
चलो भाई, इनकी पढ़ाई तो चलती रहेगी। हाँ ओके, नहीं खिसक रहा है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये जब मंथ पढ़ोगे। चलो हाँ हाँ चलो चलो चलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मई जून, हाँ हाँ मई 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 होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ये यस वेरी गुड। हाँ अभी ये भी पढ़ना बाकी है। ओह माय गॉड, कितना पढ़ोगे बेटा? क्लाउडी रेनी हाँ ओवरकास्ट सनी फाइव सिक्स सेवन एट नाइन का है, ये है नाइन नाइन टेन अलेवन अलेवन ट्वेल्व, ये घड़ी पूरी हो गई। यस गुड, चलो सबको बाय बोलो जल्दी से, बाय बाय।